जी 25 जुलाई को नहीं हुए, 10 अगस्त को हुकूमत को 2 साल हुए जब ओथ हुआ है असम्बली और प्राइम मिनिस्टर का, तो अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए। और दूसरा ये कि ओवरऑल परफॉर्मेंस और इससे बेहतर क्या हो सकती है, एक मुल्क डूबा हुआ था कर्ज़ों में 31,000 अरब रुपये में, गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं थी, करप्शन हर जगह पर सराइत कर चुकी थी, इदारे टूट फूट का शिकार थे, मुल्क का बैन अल-अक़वामी इमेज एक भिखारी का था, कश्मीर का मसला दफन हो चुका था, इन सब चीज़ों को रिवर्स बैक किया और पाकिस्तान आज दुनिया के मामले में एक मुमताज़ मुकाम रखता है। पहले दुनिया के सरबराहान जैसे बड़ी सुपर ताकतें हैं उनके मिन्नतें करते थे हमारे नए प्राइम मिनिस्टर को मुलाकात के लिए, चंद लम्हे दे दें। एक साल जब किसी को लिफ्ट नहीं कराई, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सब बड़ी ताकतों ने खुद रबते करके इन्वाइट किया उनको। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान में गवर्नेंस, हर चीज़ में बेहतरी आई है और आई होप्स के वक्त के साथ हालात बेहतर होंगे।